खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में 24 घंटे में 37,148 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल मामले 11,55,191 हुए। देश में एक दिन में कोरोना से 596 लोगों की मौत हुई। अब तक 28,084 लोगों की कुल मौत। अब तक 7,24,577 मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केस 4,02,529। दिल्ली में 54 दिन बाद एक दिन में 1,000 से कम मामले सामने आए। 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में मरीजों की तादाद 1,23,747 हुई। अब तक 3,663 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 85% हुआ। एक दिन में 1,784 लोग बीमारी से ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में फिर 8,240 पॉजिटिव केस। कोरोना मीटर 3,18,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 176 लोगों की मौत। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मृत्यु दर 3.77%। यूपी में कोरोना से एक दिन में 46 लोगों की मौत। अब तक 1,192 लोग वायरस के शिकार हुए। राज्य में 51,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के 4,000 के पार मामले पहुंचे। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 107 और गाजियाबाद में 70 नए केस। यूपी में शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की इजाजत। सीएम ने कहा, बड़ी संख्या में बीमारी छिपा रहे हैं लोग। यूपी के अस्पतालों में बेड की कमी पर प्रियंका गांधी का हमला। लखनऊ और गोरखपुर में हालात चिंताजनक बताए। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 2,282 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में टोटल केस 44,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। हर हफ्ते लॉकडाउन का दिन बदल सकता है। इस हफ्ते गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन। बिहार में कोरोना केस में 1,076 मरीजों का इजाफा। संक्रमितों की संख्या 27,000 के पार पहुंची। एक दिन में फिर 8 लोगों की मौत। पटना के पीएमसीएच की बदहाली पर इंडिया टीवी की खबर का असर हुआ। वार्ड से मरीज के शव को हटाया गया। मरीज के साथ 3 दिनों तक पड़ा था शव। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार पर जाने का फैसला। अस्पताल में इलाज के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। झारखंड में एक दिन में 178 नए पॉजिटिव केस सामने आए। टोटल केस 5,777 हुए। अब तक 53 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में सबसे ज्यादा 998 नए मामले सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या 49,000 के पार। 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 446 लोगों की मौत। हरियाणा में एक दिन में 694 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,858। राज्य में 355 लोगों की मौत। पंजाब में 411 नए कोरोना केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 10,510। अब तक 262 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में 24 घंटे में 956 नए केस सामने आए। 9 लोगों की मौत। कुल मामले 30,000 से ज्यादा हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए 710 मामले सामने आए। टोटल केस 23,000 से ज्यादा हुए। अब तक 738 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार का फैसला। अधिक संक्रमित जिलों में अब 1 हफ्ते से 2 दिन का लॉकडाउन। कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कार्यालय और दुकानों में 30-50% स्टाफ काम करेंगे। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। कुछ मामले 1,75,000 के पार। एक दिन में 4,900 लोग संक्रमित। 70 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 4,074 नए मामले सामने आए। अब तक 696 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 3,648 नए मरीज सामने आए। संक्रमितों के आंकड़े 67,000 के पार। एक दिन में 72 लोगों की मौत। तेलंगाना में 1,198 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना की चपेट में 46,000 से ज्यादा लोग। अब तक 422 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 794 नए मामले। राज्य में मरीजों की संख्या 13,000 के पार। अब तक 43 लोगों ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 751 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सभी डिप्टी कमिश्नर एक्शन ले सकेंगे। हरिद्वार में एक कंपनी में कोरोना के 288 मामले। प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कोरोना की 4 वैक्सीन पर चल रहा है ट्रायल। ट्रायल का पहला चरण 18 से 55 साल के हेल्दी कोरोना मरीज पर किया जाएगा। दूसरे में 750 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना वैक्सीन देश के लिए बड़ी उपलब्धि। वैक्सीन पर काफी तेजी से काम जारी। एम्स डायरेक्टर का बयान, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि हॉटस्पॉट के अंदर लोकल लेवल पर हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर बार मालिक समेत 40 लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बिहार के एक कैफे में छापेमारी। कर्नाटक के बेल्लारी से आई अच्छी तस्वीर। मरीजों की हौसला अफजाई के लिए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ने डांस किया। दुनिया भर में कोरोना के 1,48,00,000 से ज्यादा मामले। 6,12,000 से ज्यादा मौत।
अमेरिका में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 39,52,000 से ज्यादा। अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन के दो फेज का ट्रायल सफल रहा। ऑक्सफोर्ड में बनी कोरोना वैक्सीन से इम्यून सिस्टम बेहतर होने के संकेत। थर्ड फेज का रिजल्ट भी जल्द सामने आ सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की शुरुआती सफलता से WHO भी उत्साहित। कहा बाकी देशों में अभी लगेगा वक्त। राजस्थान मामले में फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुबह 10:30 बजे से कोर्ट में बहस। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने दाखिल की है याचिका। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत का हमला। कहा चाल चरित्र और चेहरा सामने आया। गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा नकारा। कहा पायलट के मासूम चेहरे के पीछे छिपा गंदा खेल करार दिया। पायलट का गहलोत पर पलटवार। कहा आरोपों से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं हूं। पायलट ने फेसबुक पर लिखा मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस विधायक ने आरोप लगाया सख्त एक्शन लूंगा। ऑडियो क्लिप केस में गजेंद्र सिंह शेखावत को एंटी करप्शन ब्यूरो और राजस्थान SOG ने नोटिस भेजा। बयान दर्ज कराने को कहा। नोटिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा किसी भी जांच के लिए हूं तैयार। कांग्रेस MLA गिरिराज मलिंगा का पायलट पर आरोप। कहा पैसों का ऑफर किया था। राम मंदिर के स्ट्रक्चर में बदलाव। मुख्य शिखर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट हुई। राम मंदिर में अब 5 मंडप होंगे। पहले 2 ही मंडप बनाए जाने का था प्रस्ताव। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की जोरशोर से तैयारी। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भूमि पूजन। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं 200 लोग। पूजा समारोह के साथ ही शुरू हो सकता है गर्भगृह का निर्माण। PM समेत कई VVIP हो सकते हैं शामिल। अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत को भी न्योता। उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा को भी न्योता। भूमि पूजन में हो सकते हैं शामिल। उद्धव ठाकरे को भी राम मंदिर निर्माण का मिल सकता है न्योता। संजय राउत ने कहा अयोध्या जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं। शरद पवार के बयान पर उमा भारती का पलटवार। कहा पवार का बयान भगवान राम के खिलाफ। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। माफियाओं पर कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा उन्होंने हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। नवसारी से सांसद CR पाटिल बने गुजरात BJP के नए अध्यक्ष। पिछले साल ही खत्म हो गया था जीतूभाई वाघाणी के 3 साल का कार्यकाल। चीन से तनाव के बीच हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने किया बड़ा युद्धाभ्यास। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज़ के साथ की ड्रिल। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मारी। पुलिस ने हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ एनकाउंटर। 2 बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार। मेरठ में कुख्यात बदमाशों के घर पुलिस ने डाली दबिश। हथियारों का जखीरा बरामद किया। दबिश के दौरान कई थानों की पुलिस मौजूद रही। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। शरीर पर 10 जख्म होने के निशान। 3 गोलियां लगी थी। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार पर सवाल उठाए। पूछा इतनी वारदात के बाद जमानत पर बाहर कैसे था विकास दुबे। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जांच में कोर्ट के पूर्व जज के साथ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को भी करें शामिल। विकास दुबे कांड का दूसरा मुख्य आरोपी जय वाजपेयी गिरफ्तार। विकास की मदद का आरोप। नागपुर में दिनदहाड़े एक दंपति पर गोलीबारी। घर में घुसे 7 से 8 युवकों ने की फायरिंग। दंपति की हालत नाजुक। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। साबुन, टेलकम पाउडर और LED लाइट्स के जरिए होती थी तस्करी। दिल्ली पुलिस ने 2.25 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी। एक विदेशी और मुंबई की एक महिला को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई। पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। मलबे की वजह से आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। देर रात दिल्ली और NCR में रुक रुक कर होती रही बारिश। बिहार में पिछले 48 घंटे से जोरदार बारिश। पटना के निचले हिस्सों में घुटनों तक भरा पानी। बिहार के 8 जिलों में प्रशासन अलर्ट पर। भारी बारिश और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयारी। दरभंगा में 1 हफ्ते से बागमती में उफान। कुशेश्वर स्थान में हालात और बिगड़े। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 8 जिलों में हालत खराब। असम में ब्रह्मपुत्र का पानी कई इलाकों में घुसा। डिब्रूगढ़ में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आए। असम में बाढ़ से अब तक 110 लोगों की मौत। CM सर्वानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मिंटो रोड पर जलभराव को लेकर राघव चड्ढा का आरोप। BJP दफ्तर बनने से सीवरेज लाइन ब्लॉक हुई। कहा दिल्ली BJP के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप MLA राघव चड्ढा के आरोपों को खारिज किया। कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही से मिंटो ब्रिज हादसा हुआ। कोरोना संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने पहला मंगल मिशन लॉन्च किया। जापान से लॉन्च हुआ मिशन।
2019-20 में अमूल ब्रांड का टर्नओवर 52,000 करोड़ के पार। ब्रांड की मार्केटिंग कंपनी GCMMF का 38,542 करोड़ का टर्नओवर। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले GCMMF का 17% ज्यादा टर्नओवर। 2024-25 तक 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य। एयर इंडिया के बाद इंडिगो का सख्त फैसला, 10% कर्मचारियों की छटनी करेगी एयरलाइंस। कोरोना की वजह से T20 वर्ल्ड कप स्थगित, महामारी की वजह से की ICC ने लिया फैसला, इस साल ऑस्ट्रेलिया में होना था वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल शूटर अभिषेक वर्मा ने घर में ही बनाई शूटिंग प्रैक्टिस रेंज, कोरोना की वजह से लिया फैसला। सुशांत सिंह राजपूत केस में बांद्रा पुलिस की 4 डॉक्टरों से पूछताछ, 3 साइकेट्रिक और 1 साइकोथेरेपिस्ट का बयान दर्ज किया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, कहा ट्रायल के बीच पूरा दिन आपके प्यार के साथ गुजारता हूं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको